लेजेंड क्रिकेट लीग 2023 जिसका फाइनल में एशियन लॉयंस वर्सेस वर्ल्ड गेम्स था, जिसमें वर्ल्ड गेम्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। वर्ल्ड गेम्स सिर्फ और सिर्फ 147 रन बना पाए 20 ओवरों में, जिसमें उनकी तरफ से सबसे अच्छी बैटिंग जैक कैलिस ने की, जिन्होंने 78 रन बनाए 54 बॉलों पे 5 फोर्स के साथ और 3 सिक्सेस के साथ। उसके बाद रोस टेलर ने 32 रन बनाए 33 बॉल्स में 3 फोर्स के साथ। और इनकी जो फॉल ऑफ विकेट हुई, पहली विकेट 9 रन पर गिरी, दूसरी विकेट भी 9 रन पर गिरी, तीसरी विकेट 19 रन पर गिरी और चौथी विकेट 111 रन पर गिरी, जिसमें सबसे अच्छी बॉलिंग की रजाक ने, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। सोहेल तनवीर ने 4 ओवरों में 31 रन दिए। हफीज ने 1 ओवर में 6 रन दिए। शाहिद अफरीदी ने 3 ओवर में 21 रन दिए। और परेरा ने 4 ओवरों में 33 और उडना ने 4 ओवरों में 37 रन। जबकि एशियन लाइन ने सेकंड बैटिंग करते हुए ये टारगेट इजीली 16 ओवर की एक बॉल पे ये चेस कर लिया, जिसमें सबसे अच्छी बैटिंग उपल तरंगा ने की, जिन्होंने 57 रन बनाए 28 बॉलों पे, जिन्होंने 5 चौके और 3 छक्कों के साथ। उसके बाद दिलशान ने, जिन्होंने 58 रन बनाए 42 बॉलों पे 8 चौकों के साथ। और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी जो कि नॉट आउट रहे, 9 रन बनाए 13 बॉलों पे 1 चौके के साथ। और साथ ही मिसबाल हक जो कि नॉट आउट रहे, 9 रन बनाए 8 गेंदों पे 1 चौका मारा। और इनकी जो फॉलो विकेट हुई, पहली विकेट हुई 115 रन पे, सेकंड विकेट हुई 132 में और थर्ड विकेट हुई 135 में। वर्ल्ड गेंद की तरफ से जो बहुत अच्छी बॉलिंग देखी गई वो पंसेरा की तरफ से, जिन्हें 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन दिए और 1 आउट किया। समित पटेल ने 3 ओवरों में 23 रन दिए और 1 आउट किया। ब्रेटली ने 4 ओवरों में 31 रन दिए और 1 आउट किया। और इसी तरह एशियन लाइन ने ये मैच इजीली जीत लिया और लेजेंड क्रिकेट लीग 2023 का टाइटल अपने नाम किया। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।